कुछ कहानियाँ, कुछ बातें हमें बचपन से इतनी बार बताई जाती है कि हम उसे सच मान लेते हैं। धीरे धीरे यही सच समाज का एक बहुत बड़ा मिथ बन जाता है। बिहार की बाढ़ के बारे में भी एक ऐसा ही मिथ हमारे समाज का सच बन गया। वो सच क्या था कि नेपाल हर साल पानी छोड़ता है और बिहार में बाढ़ आ जाती है, बिहार तबाह हो जाता है। बट पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेपाल से आने वाली नदियों पर बराज भारत सरकार ने बनाया है, जिसकी देखरेख बिहार सरकार करती है। यानी बिहार सरकार ये तय करती है कि बराज के गेट कब खोले जाएंगे और कितना पानी गेट से अंदर आएगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि नेपाल पानी छोड़ता है तभी बाढ़ आता है, या वो नेचुरल प्रक्रिया है कि वहाँ के जी मतलब ऐसा नहीं है कि नेपाल ने कोई अपनी नदी से ज्यादा पानी बिहार की तरफ भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं होता है। यानी कि बिहार सरकार को हर साल एग्जैक्टली पता होता है कि कैसी स्थिति किस महीने में होने वाली है, फिर भी हर साल बाढ़ से बिहार के लोग तबाह होते हैं, उनका घर बहता है, उनकी जाने जाती है, उनकी संपत्ति जाती है, वो फिर से लड़ते हैं, घर बनाते हैं, अगले साल फिर बह जाते हैं, लेकिन अंत में पुअर पीपल ऑफ पुअर स्टेट कहलाते हैं। दो नदियां ऐसी हैं, कोसी और गंडक, जिसपे की बराज बनाया गया है, और वो उस बराज का जो संचालन होता है वो संचालन बिहार जन संसाधन विभाग पटना के द्वारा होता है, और वो अपनी सहूलियत से ही बराज का फाटक खोलकर पानी छोड़ते हैं। छाती तक बाढ़ के पानी में डूबकर रिपोर्टिंग करने के इतर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र ने बिहार में बाढ़ का आर्थिक गणित समझाया है। पिछले 33 सालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि औसतन हर साल बिहार के 75 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर साल 200 इंसान, 662 पशुओं की जान जाती है, 30 अरब का नुकसान हर साल बिहार को होता है। हर साल आने वाले बाढ़ में करीबन 6 लाख हेक्टेयर जमीन में खड़ी खरीफ की फसल डूब जाती है। अमूमन हर बाढ़ प्रभावित परिवार 20 से 30 हजार रुपए का नुकसान झेलता है। 1 लाख लोगों को हर साल नया मकान बनाना पड़ता है और 80 हजार लोग अपने मकानों की मरम्मत करवाते हैं। 2-3-4 दिन का समय लगता है जब नेपाल में बारिश होती है और जब वो बिहार के इलाके में प्रवेश करती है, तो ये समय वार्निंग के लिहाज से पर्याप्त होता है। इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग जिला अधिकारियों को निर्देश देता है कि आप समय पर वार्निंग भी दे दें। लेकिन दुख की बात है कि जितनी चेतावनी और जितने निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं उसमें से 10% काम भी नहीं होता। सवाल यह है कि जब सरकार को हर साल इसका अंदाजा होता है कि कितना नुकसान होगा, फिर सरकार इसको लेकर पहले से तैयार क्यों नहीं होती? राहत बचाव कार्य को लेकर कोई पहले से बहुत मजबूत प्लानिंग क्यों नहीं होती? अगर प्लानिंग होती है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होता? और फिर राहत बचाव कार्य या आपदा जैसी स्थिति के बड़े बैनर के तले डिस्कशन किस चीज की होती है? प्रचलन में देखा गया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण नहीं करते हैं बाढ़ राहत का कोई काम शुरू नहीं होता, कोई तैयारी तक शुरू नहीं होती, केवल चूड़ा गुड़ सत्तू खरीद कर रख लिया जाता है, कहीं कंट्रोल रूम का नंबर तक जारी नहीं होता है। अमूमन आपको बिहार में सड़कों के किनारे, तटबंधों पर और यहाँ वहाँ पन्नी और टेंट टांग के लोग रहते हुए मिलेंगे, लेकिन राहत केंद्र खाली मिलेंगे, सरकार इसका प्रचार प्रसार भी नहीं करती। यानी चमकी बुखार से बच जाइए, फिर बाढ़ से बच जाइए, और उसके बाद पलायन करिए दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, और फिर इस दबाव को भी झेलिए कि वहाँ पर भी आपको अपने राज्य का परचम बुलंद रखना है। यही कहानी होती है अमूमन हर बिहारी की। और फिर अपने राज्य में बाहरी वर्सेस बिहारी का चुनाव देखने के बाद जब वो दूसरे राज्य जाता है पलायन करके, तब उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता है सिवाय ये कहने के कि बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है।